भोजपुरी स्टार सपना गिल ने जमानत मिलते ही पृथ्वी शो के खिलाफ दर्ज कराई FIR, लगाए ये आरोप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा चौधरी और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। बीते दिनों पृथ्वी शो और सपना गिल के बीच चल रही कंट्रोवर्सी ने फैंस का ध्यान अपनी ओर मोड़ लिया था। सेल्फी को लेकर हुआ विवाद पुलिस थाने तक पहुँच चुका था, लेकिन अभी कॉन्ट्रोवर्सी में सपना गिल की जगह पृथ्वी शो फंसते नजर आ रहे हैं। बीते दिन जहां सपना गिल को जमानत मिल गई, तो वहीं आज उन्होंने पृथ्वी शो के खिलाफ FIR तक दर्ज करवा दी है। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर के खिलाफ दर्ज हुई FIR में उन पर कई धाराएं लगाई गई हैं। सपना गिल ने पृथ्वी शो के खिलाफ धारा 34 सामान्य राज्य से आपराधिक एक्शन, धारा 120B आपराधिक साजिश, धारा 146 दंगा फसाद, धारा 148 के साथ साथ धारा 149, धारा 323, धारा 324, 351, 354 और धारा 509 लगाई है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक दो यंगस्टर्स रुद्र और साहिल नाम के शख्स को कस्टडी में ले लिया गया है। तीन लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस केस में 5 आरोपी फरार हैं, लेकिन जो आरोपी पुलिस हिरासत में आ गए हैं उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। दरअसल पृथ्वी शॉ और सपना गिल के बीच ये विवाद सांता क्रूज के 5-स्टार होटल के बाहर हुआ था, जहां पृथ्वी शॉ डिनर करने के लिए गए थे। लेकिन जब सेम लोगों को बार बार सेल्फी लेने के लिए पृथ्वी शॉ ने मना किया, तो वहां बहसबाजी शुरू हो गई। ये विवाद इतना बढ़ गया कि पृथ्वी शॉ ने 8 लोगों के खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस विवाद में जैसे ही सपना गिल को जमानत मिली, उसके अगले दिन ही यानी आज उन्होंने पृथ्वी शॉ पर हल्ला बोल दिया। पुलिस स्टेशन से निकलते हुए सपना ने कहा था कि सच्चाई की ही जीत होती है, तो वहीं एक्ट्रेस के लॉयर ने कहा था कि विक्ट्री, सच की जीत हो गई, बुराई की हार हो गई, अभी तो लीगल एक्शन लेना बहुत बाकी है। ये चीज़ आज सच साबित हो गई, जो सच्चा होता है वही जीतता है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ट्रिगर न्यूज़।